हे वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फ्रेश इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और वो है डेल का 22 इंच का एक एलईडी मॉनिटर। और दोस्तों ये एक टीवी नहीं है, ये एक मॉनिटर है जो कि लोग पीसी पर या किसी और चीज़ में या कुछ लोग इसे टीवी पर भी यूज़ करते हैं। डेल जो है मॉनिटर्स के लिए काफ़ी अच्छी एक ब्रांड मानी जाती है। और आपको बता दूँ इस मॉनिटर को मैं लगभग एक साल से मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। तो पहले मैं इसकी करूँगा अनबॉक्सिंग, उसके बाद मैं करूँगा इसका रिव्यू, फिर मैं इसे अपने कंप्यूटर पे मैं कनेक्ट भी करके और यूज भी करके आपको दिखाऊंगा और डेमो भी देके दिखाऊंगा और अपना फर्स्ट इंप्रेशन मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं बता दूं आपको कि ये है डेल का 21.5 इंचेस, लेकिन मार्केट में से 22 इंच की भाषा में बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये 21.5 यानी 21.5 इंच का लगभग होता है। और इसकी कुछ खासियत है जो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। इसकी बीजल जो है वो काफी थिन है। बैकलिट कंप्यूटर मॉनिटर है ये, फुल HD है ये, IPS पैनल है, विद VGA विद HDMI पोर्ट है, ऑडियो इन और आउट का पोर्ट भी है, इसमें इनबिल्ट स्पीकर्स भी हैं। हालांकि वो किसी काम लायक है नहीं, लेकिन फिर भी कंपनी ने दिए हैं दो इनबिल्ट स्पीकर्स 3-3 वॉट के। और इसका मॉडल नंबर है S2218H और ये ब्लैक कलर में आता है। और दोस्तों मैंने इसे मंगाया अमेज़ॉन से 12,399 रुपये में, लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में, आप अगर इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसका जो रिजोल्यूशन है वो 1920x1080 पिक्सल्स है और क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। 21.5 इंच का साइज़ है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फुल HD डिस्प्ले है। और इसके अलावा इसकी जो बीजल्स है वो काफ़ी थिन है। कनेक्टिविटी पोर्ट की बात करें तो एक VGA पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है, एक ऑडियो इन और एक ऑडियो आउट का पोर्ट है। एस्पेक्ट रेशियो इसका है 16:9 और इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो है वो 76 हर्ट्ज है। रिस्पांस टाइम है 6 मिली सेकेंड्स, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। और दोस्तों इसका व्यूइंग एंगल जो है, कंप्यूटर मॉनिटर्स में जो होता था वो व्यूइंग एंगल, मतलब कि जैसे अगर आप साइड से जाके ठीक सामने से देखते थे तब तक तो सही दिखता था, कुछ समय पहले की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप साइड से देखते थे तो उतना अच्छा विजन नहीं मिलता था। तो इसमें व्यूइंग एंगल जो है वो दोनों तरफ से लेफ्ट राइट और अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से जो व्यूइंग एंगल है वो 178 डिग्रीज है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इसका जो वेट है वो लगभग 5 किलो है। पावर जो यूज़ करता है वो लगभग 22 वॉट की पावर ये यूज़ करता है। इसके साथ एक पावर केबल मिलता है, एक पावर अडॉप्टर मिलता है और एक HDMI केबल भी मिलती है। तो दोस्तों अब बिना टाइम वेस्ट किए आपके लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अनबॉक्सिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है डेल का 21.5 इंचेस या कह सकते हैं 22 इंच का ये मॉनिटर। इसका मॉडल नंबर है S2218H। बॉक्स आप देख रहे हैं बाहर से, कुछ इस तरह दिख रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं बना है, केवल डेल की ब्रांडिंग है और मॉनिटर की इमेज बनी हुई है। चलिए जल्दी से आपको बैक साइड से भी इसे दिखा देता हूँ। काफ़ी उठाने में ये काफ़ी भारी लग रहा है मुझे, 5 किलो वजन तो नहीं लग रहा जैसा कि कंपनी क्लेम कर रही है, लेकिन फिर भी बॉक्स का वेट काफ़ी है। पीछे भी चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है, डेल की ब्रांडिंग है और डेल का मॉनिटर बना है। यहाँ पे कुछ साइज़ दिखाया हुआ है कि 21.5 इंचेस का इसका साइज़ है। और चलिए इस तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे भी डेल 22 इंचेस मॉनिटर और कुछ चाइनीज़ में ही लिखा हुआ है। यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है S2218H और मेरे ख्याल से दूसरी साइड भी लगभग यही कुछ लिखा होना चाहिए। नहीं, दूसरी साइड कंपनीज़ के कुछ टैग्स लगे हुए हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह वगैरह। तो चलिए जल्दी से इसे खोलते हैं और बिना टाइम वेस्ट के आपको दिखाते हैं। बाहर बॉक्स के कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलती हैं तो हम लोग जल्दी से इसे खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। आज मेरा पेपर कटर मिसिंग हो गया तो मैं इस नाइफ़ का, किचन नाइफ़ का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके ओके, ये सूट केस टाइप की इन्होंने इस बार पैकिंग कर दी है। पहले मॉनिटर्स में इस तरह की पैकिंग नहीं आती थी, साइड से खींचने वाली पैकिंग आती थी। ये खोलते वक्त लग रहा है इधर हिल के चला गया। ओके, तो खोलने के बाद बॉक्स कुछ इस तरह का दोस्तों दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि लगभग एक साल से मैं इस मॉनिटर को यूज़ कर रहा हूं, इसमें 3 साल की वारंटी मिलती है। और चलिए जल्दी से आपको आइटम कंटेंट्स दिखा देते हैं। सबसे पहले एक पावर केबल दिख रही है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। ओके, पावर केबल को मैंने साइड में रख दिया है। इसके अलावा यूज़र मैनुअल और इसकी एक CD जो कि आपको कभी यूज़ नहीं पड़ने वाली है क्योंकि मॉनिटर ज़्यादातर प्लग एंड प्ले होते हैं। एक पावर अडॉप्टर दिख रहा है और इसको भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि मैं आपको इसे यूज़ भी करके दिखाने वाला हूं, इसलिए इसे बाहर तो सबको निकालना ही पड़ेगा। ये इस तरह का पावर अडॉप्टर है जिसकी रेटिंग भी मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं। ओके, आउटपुट रेटिंग है दोस्तों इसकी 12 वोल्ट 3.33 एम्पियर्स। तो आपको मैं बता दूं, कोई भी और अडॉप्टर इस मॉनिटर के साथ मत यूज़ करिएगा, जो इसके साथ मिला अडॉप्टर वही यूज़ करिएगा। और कभी अगर बाय चांस ख़राब भी हो जाए वारंटी पीरियड के बाद तो आप इसी रेटिंग का मॉनिटर परचेज़ करने की कोशिश करें। और दोस्तों इसके साथ निकलता है इसकी एक, ये आप कह सकते हैं हिंदी में इसकी गर्दन,
इसकी नेक और ये मेटल की बनी हुई लग रही है, ऊपर सिल्वर का पेंट लग रहा है, काफ़ी अच्छी और भारी, काफ़ी वेट है इसका। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसको हम लोग साइड में रख देते हैं, अभी जब मॉनिटर में कनेक्ट करेंगे तब दिखाते हैं। और इसके साथ दोस्तों एक और इसका लग रहा है इसमें है बेस। जी हाँ, यह है इसका बेस। छूने से तो प्लास्टिक लग रहा है, प्लास्टिक है भी, लेकिन दोनों साइड प्लास्टिक के अंदर हमें लग रहा है कि मेटल का एक प्लेट इसमें डाली गई है, क्योंकि इसका भी काफ़ी वेट है। और इसमें एक ये स्क्रू दिया हुआ है जिससे इसकी नेक कनेक्ट हो जाएगी। और इसको भी हम लोग साइड में रख देते हैं। और चलिए अब ये ऊपर का पोर्शन हटा देते हैं और नीचे हम लोग का रखा हुआ मॉनिटर जो कि था सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, तो इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। ओके, पैकिंग काफ़ी अच्छी दी हुई है कंपनी ने, अच्छी बात है, क्योंकि ये काफ़ी दूर से ट्रैवल होकर के और अलग अलग मेथड से ये आता है। और देखिए मॉनिटर में आपको खोलते ही ऊपर की नीचे बॉटम की साइड, ये बॉटम साइड है मॉनिटर का, यहाँ दोनों साइड स्पीकर्स की ओपनिंग दिख रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके स्पीकर्स कुछ काम लायक खास है नहीं, पता नहीं कंपनी ने किस लिए दिया, लेकिन हम लोग को स्पीकर्स की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोस्तों बैक साइड से मॉनिटर कुछ इस तरह का दिखता है, फ्रंट साइड से ये मॉनिटर कुछ इस तरह का दिखता है। काफ़ी कॉम्पैक्ट और स्लीक डिज़ाइन है, बहुत ही थिन, मेरे ख्याल से बहुत ही पतली बीजल्स हैं, और जितनी आजकल मोबाइल्स में होती हैं उतनी पतली बीजल्स दी गई हैं तीन साइड पर। नीचे की साइड बीजल्स थोड़ी सी मोटी है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा और कॉम्पैक्ट और स्लिम डिज़ाइन, इंटरेस्टिंग डिज़ाइन एक लग रहा है। तो चलिए इसके पीछे मैं कुछ पोर्ट्स इसके दिखा देता हूँ, कौन कौन से पोर्ट कंपनी ने दिए हैं। एक इसमें आता है VGA पोर्ट जो कि स्टैंडर्ड डिस्प्ले के लिए पोर्ट होता था, एक HDMI पोर्ट दिया हुआ है, ऑडियो इन और ऑडियो आउट के लिए पोर्ट दिया हुआ है, और एक अडॉप्टर के लिए पोर्ट दिया हुआ है। तो इतने ही पोर्ट्स इसमें हैं। नीचे कुछ यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं 4-5, जिनसे कि आप कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस और लेफ्ट राइट वगैरह वगैरह मॉनिटर का आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए ये है दोस्तों कुछ मॉनिटर, और मॉनिटर पे हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी से इसका नेक और वो थोड़ा सा कनेक्ट कर देते हैं ताकि हम लोग इसे यूज़ करके दिखा सकें। मैं इसे आपको यूज़ भी करके दिखाने वाला हूँ और मैं इसको यूज़ भी आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसके बेस से पहले हम लोग नेक कनेक्ट कर लेते हैं। बेस से नेक आप लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसको इस तरह से यूँ लगा देंगे और इस स्क्रू को आप थोड़ा सा टाइट कर देंगे, हाथ से ही टाइट हो जाएगा ये, कोई आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये नेक इसकी मैं कनेक्ट कर चुका हूँ बेस से। बेस काफ़ी हैवी है और हैवी होना भी चाहिए ताकि मॉनिटर हल्के फुल्के झटके अगर लगे भी तो हिले ना और वहीं पे लगा रहे। तो और अब हम लोग चलते हैं मॉनिटर के बैक साइड पर इसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए। तो मॉनिटर का बैक साइड हम लोग इस तरह से कुछ रोक लेते हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली ये इस तरह से हमें लग रहा है स्लाइड हो जाएगा, जैसा कि काफ़ी अलग अलग मॉडल्स में होता है। और ये देखिए, और मुझे लगता है एक लॉक की आवाज़ भी आएगी, क्लिक साउंड आनी चाहिए। चलिए क्लिक साउंड नहीं आई है, इसका मतलब कि ये लॉकिंग की इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आपको निकालना हो तो आप ऐसे ही इसे निकाल लेंगे और जब लगाना हो तो ऐसे ही लगा देंगे। तो अब ये मॉनिटर दोस्तों कुछ इस तरह दिख रहा है मुझे, और काफ़ी भारी है इसलिए संभाल के यूज़ करना पड़ रहा है। जितना मतलब ये इसको देखने से जितना इसका वेट लगता है उससे वेट इसका ज़्यादा है। तो कुछ इस तरह ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह ये मॉनिटर दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाते हैं। और डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया, डेल की आगे ब्रांडिंग है ज़्यादा, जो मॉडल नंबर वंबर बड़ा बड़ा लिखा रहता है कई मॉनिटर्स में वो सब नहीं है। बटन्स भी छुपा के दिए गए हैं, अगर आप खोजेंगे नहीं तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि बटन्स इसके कहां पर हैं। पीछे भी ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल कंपनी का लोगो दिया हुआ है, और इसके अलावा यहां पे मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह वाला स्पीकर और मॉडल नंबर का स्टिकर लगा हुआ है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है डिज़ाइन में, बहुत अच्छा है और बहुत कॉम्पैक्ट और स्लीक है। चलिए जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर पर दिखाते हैं इसे। तो दोस्तों इस मॉनिटर को मैंने कनेक्ट कर दिया है अपने कंप्यूटर से, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्लीक और मॉडर्न डिज़ाइन है। बीजल्स काफ़ी थिन है, आप देख सकते हैं, कि आजकल के मोबाइल्स में होता है, और नीचे बटन्स वगैरह आपको कहीं भी आपको पता नहीं लगता है कि कहां पर हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। और आपको बता दूं इस समय जो इसका कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस है, मैं आपको दिखा भी देता हूं बताने के साथ साथ, वो 20% और 30% पर ही सेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस और बढ़ाएंगे तो इसकी और ज़्यादा इसकी विजिबिलिटी और वो बढ़ जाएगा, लेकिन मैं अपने मॉनिटर को इतनी ही सेटिंग्स पे सेट रखता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी करीब बैठ के देर तक काम करना होता है, तो इसलिए मैं इतनी ही सेटिंग पे से रखता हूँ। बाकी मुझे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसमें स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स का लेकिन कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, वो बिना किसी काम के हैं। बस इतना ही कि आपको पता लगेगा कि स्पीकर लगे सुनने लायक नहीं है।
तो बाकी लेकिन इन सब इस मॉनिटर की चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी मॉडर्न और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, तो इस तरह आप इसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था डेल का S2218H कंप्यूटर मॉनिटर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके कुछ काम कर रहा होगा। अगर आपकी वीडियो काम करे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अक्सर लेकर के आता रहता हूँ। अगर आपको दोस्तों में परचेज करना है तो लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।